उम्मीद करता तो बहुत वधिया होवे। लो जी अज जनाब मरासियां दी फिर वट डिश बनन लगी करेले गोश्त। ते असीं जनाब लो जी पहला रख दिता तेल उते गर्म होण लई। ते जिन तक तेल गर्म हुंदा तां सीधा जनाब असीं इहदे च करेले फ्राई करदे। करेलियां दा सारा मटीरियल अपने कोल आ चुका है। विच जनाब अदरक लसन मिर्च इह करेले आ, इह नाल गोश्त आ, धुप के आ गया जनाब मुर्गी दा, इह नाल हुंदा करेलियां दा अदरक क्रश करके बरदा लाई दा हुंदा है, बाद च पा लई दा हुंदा है। ते इह गंढे आ अपने कोल, इह जनाब टमाटर ते नींबू, अदरक लसन, तो यह करेले साढ़े को 1 किलो करेले है जी। लो जी हम अभी स्टार्ट करो। हम अभी जनाब करेले पहले फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। मित्रों जिम्मे करेले अभी पूरे भाग में पा चुके, तो हम साढ़े को जनाब चार प्याज आ, ये भी असं सिट लाँगे, फ्राई कर लाँगे अच्छे तरीके। और प्याज दे हैं जनाब ए चेक करो, है वेखो पतले पतले कटने, मज़ा ताज़ा आता पतले पतले, फिर मज़ा ज़्यादा आएगा। लो जी उधर अपने करेले रखे गए हैं, तो इधर नाल प्याज, तो दोनों चीज़ा नाल ही असं फ्राई करांगे अच्छे तरीके। तुहानू पता कि हर एक रैसपी दे विच अच्छे तरीके जिहड़ियां चीज़ा फ्राई करी जाओ। लो जी मित्रों जिवें कि जनाब अपनी दोनों चीज़ा फ्राई हो रही हैं, गंढे भी हो जाते हैं, तो करेले भी धोने से जनाब वक्फे का टाइम अगर तुम चाह चू पी लो फिर मिलता जो फ्राई हो गई। लो जी मित्रों जिवें कि जनाब प्याज साढ़े फ्राई हो चुके हैं, तो हम असं इन टमाटर पा लेंगे। टमाटर असं इस तो ज़्यादा रखे कि जरा हल्का हल्का ना करेले जरा खट्टे जी होने, कई इमली भी पा लेते हैं काफ़ी चीज़, मगर असं टमाटर ना करा इसी। साढ़े को टमाटर जेडे चार टमाटर से वे अभी वो पाए थे, असं जनाब सा जरा दम देता इनू अच्छे तरीके ना, जरा ना कि जो सारा मसाला अच्छे तरीके ना बन जाए। तो नाल नाल देखो करेले जो फ्राई हो जा रहे बहुत देर लै रहे पर ना बन रहे, इसलिए कि साढ़े इतने ना गैस चल जाती है रात ना कई मौके नहीं मजाक करने के पाकिस्तान मगर वैसे कह रहे तो मगर वैसे ना जी आग जरा स्लो तो मैं दसना कि इन्हों आस्ता आस्ता इस तो फ्राई करी दा कि जी इन्हों की जी करावट ने मैं कहने आ रहा कड़वा पानी जरा ना इन्हें तो जाता रहे। ठीक है जी। लो जी मित्रों हूँ जरा मसाला थोड़ा तैयार हो गया पूरे भाव में फुल, तो हूँ जनाब असी अदरक लसन का जो जिमें पेस्ट से वो सीट लाँगे। हर एक चीज़ तुम अपने मुताबिक ना जिदा भी अदरक लसन ज़्यादा खाना चाहते हो ज़्यादा भी तुम बना सकते हो, थोड़ा जो कई थोड़ा पसंद करते हैं इसकी, तो हम असी इन अदरक लसन भी अच्छे तरीके फ्राई करा। तो जी मित्रों नाल ही असी जनाब दो तीन हरिया मिर्चा ला लिया एज ए टेस्ट, तुम जनाब अपना टेस्ट बता सकते पाओ सब कुछ पाई जाओ, बारों मिट्टी ना पा लो पर जो मर्जी मिर्च मसाले पाई जाओ अपना टेस्ट बताई जाओ जिदा मर्जी पाई जाओ पूरे भाव में। तो मैं अगे भी अपने कैमरामैन में गल कर रहा, अज मेरा कैमरामैन चेंज तो मैं गल कर रहा है कि जिन्ना भी हांडी में जनाब प्याज ना तुम भुन ही जाओगे सारा नज़ारे जो भुनन चा जिन्हें तुम प्याज ना जनाब हर एक चीज़ में भुनोगे हर एक चीज़ को अच्छे तरीके ने जिदा समझ लो फिर रात मुन्ना नहीं सवाईदा कि जो जनाब छोजा काका गब्बर आ जाएगा ये गल नहीं, मगर इन तुम तरीके ना जनाब जिन्ना भी भुनोगे अच्छे तरीके ना तो जनाब हांडी का उन्ना ही टेस्ट आएगा। लो जी असं हरी मिर्च भी फ्राई करते हैं। लो जी मित्रों जिमें कि जनाब करेले पूरे भाव जनाब फ्राई हो चुके हैं, जनाब असी करेलिया टिशू के उपर कर लाँगे ताकि इन्हों का आयल जरा जनाब पूरे भाव में निचड़ जाए। चेक करो मैं रैसपियां बहुत थोड़िया थोड़िया बनाना इसलिए कि मैं कला ही रहना ना, नहीं मेरे नाल मेरी बेगम भी आ, तो वैसे असं दो जी तद रैसपियां थोड़िया थोड़िया बनाई दी जो कि मेहमान आते कोई मेहमान तो अज तक वैसे बंद किए हुए इसलिए कि साढ़े इतने हॉलैंड उन्होंने जनाब लॉकडाउन ला दिता वा 9 बजे तो बाद बिना बाहर नहीं जा सकते, तो सख्ती आराम ने लॉकडाउन ला दिता साढ़े हॉलैंड। तो लो जी मित्रों जो फ्राई होके आ चुके साढ़े, तो हम असं अपने दूसरे कड़ी के जो तैयार हो चुके उस मसाले सीट ली। लो जी मित्रों जिमें जो सा बरादा से करेलिया का वो असं हम ये सीट लाँगे कि उन्होंने भी अच्छे तरीके ने फ्राई कर लाँगे। वो इन चलो तुम एवं कुछ मिनटा नहीं करना इसलिए कि जल्दी हो जाएगा। लो जी
इस तरीके हिलाई जाना ताकि थले ना लगे बरादा बरादा इस देखो बहुत बरीक है करेले जड़े से थोड़े मोटे मोटे से बरादा उन्होंने जरा थोड़ा बरीक है तो इन हिलाई जाना ताकि जरा काला ना हो जाए काला हो गया ना तो फिर समझ लो अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत काली हांडी बन जाएगी। लो जी असी हल्दी का एक चमच पा देंगे ताकि जरा अच्छे अच्छे तरीके रंग असी एक चमच टी स्पून जरा फुल भर के जनाब वह पा देंगे दो चमच असी ये पावे टी स्पून के मिर्चा के लाल मिर्चा और नाल जनाब पूरे पाना अं दादड़ फादड़ मिर्च वह भी एक चमच पा लेंगे तो और मसाले अपने अच्छे तरीके फ्राई कर लाँगे जनाब हर एक चीज़ जी तुम दसा फ्राई करी जानी तुम पूरे पा लो क्योंकि सर को बोतल असी क्या बोतल ज़्यादा ना लद्दी जाए एक चमच असी नमक पा लेंगे इस तो कि नमक इस तो एक चमच पाना कि जेडे करेलिया ना नमक लाया होंगे कि उन्होंने नमक होंगे वा इस वजह तो जरा ना कि एक चमच ही असं नमक का पावे तो नमक तुम बाद अपने हांडी पा सकते कई हम चौथे ब्लड के मरीज भी होंगे है तो इस वजह तो कई नहीं ज़्यादा नमक खा सकते तो तुम बाद चो पा सकते लो जी मित्रों जिमें कि जनाब अपना बरादा तैयार हो चुके करेलिया का असं बरादा भी हम जो फ्राई हो गया उन्होंने अच्छे तरीके कट लाँगे करेले का तुम दसा कि नाल मेरी रैसपी के जनाब हकीमी भी चलेगी करेले जेडे जनाब बाईबादी तो खोड़े फिंसियां तो इन्हों का जूस बना के किसी दिन तुम भी रैसपी देवे कि जूस करेले का कि बनता नाल जनाब हम रैसपी के हकीमी भी पूरे भाव में चलेगी और हकीमी जनाब पूरे भाव में फायदेमंद ही रहेगी जी भी तुम चीज़ दसागा बाईबादी तो बहुत अच्छी जिमें कि इतने जनाब बहुत ठंड पैंती है तो कई मुगे लत्त भी धोन आई दी धो अज दिन धोन बल पाया वा अज तो बहुत भैड़ा बल पाया तो बई ऐ करके मुड़ते हैं तो इस तरह के ये खावे तो वेखो बाई बाजी दूर हो जाएगी। लो जी बरादा सारा निकल चुके हैं तो हम अभी अगले प्रोसीजर जाने लो अगला प्रोसीजर जनाब असी अच्छे तरीके जो गुड़ तो फ्राई कर लाँगे गुड़ से जरा अभी अच्छे तरीके फ्राई कर लाँगे तुसी करेले भर के भी पका सकते हैं असी भर के पका लेने से करेले पर नलकी नहीं सू ली नहीं तो भर के लाजमी पकाने से गया दुकान से दर्जी से मैं ये नलकी है कहना नहीं यार तो फिर मैं इदा बना लें कैसा लगा मेरा मजाक कर रहा जी यार बिच बिच जुगत भी पवाई पूरा इंटरटेनमेंट होया करेगा पूरे भाव लो जी जिन्नी तक सारा गोश्त फ्राई होंगे जनाब मित्रों तो उन्नी सीधा फिर असं चाह चू पी लेंगे जिमें कि जनाब एन तो तुम पता कि चाचा जीरा जरा थोड़ा जहाँ मसाले च पाई दा लो जी दो चम्मच अभी चाचे जीरे से पा देंगे चाचा जीरा भी बहुत अच्छा तुम्हें दसिया से ना अगली हकीमी च अगली रैसपी से यदि हकीमी भी तुम दसी थी कि जरा जीरा हाजमे भी अच्छा होंगे जिमें कि जनाब फ्राई हो चुके सारा गोश्त असी उन्होंने मसाले से तकसीम कर जिमें कि जनाब सारा गोश्त भी जरा मुर्गी का फ्राई हो चुके तो हूँ असं इन मसाले के सड़ दें पूरे भार के नाल तो भी असी इन हल्का जहा इन हल्का जहा फ्राई इस तो किया हले करेले भी जो पैने तो वह भी समझ लो फ्राई होने नाल इस वजह तो हम गोश्त जनाब ये आएगा लो जी ठीक हो गया जी लो जी जिमें कि जनाब बरादा तो करेले जोड़े असी फ्राई किए
भी असी अच्छे तरीके ने सिट लांगे। लो जी मित्रों हुण असी इनू भी अच्छे तरीके ने मिक्स कर ली। लो जी असी एक चम्मच जवाइन पा ली है। जवाइन इस तों कि ये तुहानू पता हकीमी है, नाल नाल चलदी जवाइन भी अच्छी हुंदी गोड्यां छोड्यां तों, ते जवाइन नाल जरा एक खुशबू भी अच्छी आएगी। हाँ जी ते असी माड़ा जिहा हुण जवाइन पा के हुण असी जवाइन भी विच मिक्स कर ली अच्छे तरीके नाल। ते हुण जनाब असी इनू दम दे देना जिहड़ा अच्छे तरीके नाल, ते स्टीम च सारा गोश्त गुश्त पक जाए। जनाब लो जी करेले गोश्त साडे कंप्लीट हो चुके। मित्रों हुण लाजमी चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और पूरे भारत दा बैल दा बटन भी दबा दिओ। सोणे हो लो जी हुण फिर मिलांगे जनाब, जां तुहानूं न्यू रेसिपी दे नाल ते जां न्यू ब्लॉग के साथ। गुड बाय। हुण जांदे जांदे उही अपने बुजुर्गां दी इज्जत करो, आराम करो और बहुत ज्यादा उहनां दा प्यार लो। हुण तक सनी नूं इजाजत दो, गुड बाय।